इस प्रकार जो वैनेडियम था प्लस टू भी करता है, प्लस थ्री भी करता है, प्लस फोर भी करता है, प्लस फाइव भी करता है। बात इस तरीके की, प्लस फाइव भी सब सर्वाधिक इससे होती है, फिर होती है प्लस टू। ठीक है, क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम और एस के एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा, ये करेगा प्लस वन, और यही इसकी सर्वाधिक स्थायी होती है। ठीक है, क्योंकि इस एक हटाई हुआ डी में कैसा होता है, डी फाइव कौन सा विन्यास हो जाता है, डी फाइव अर्धपूरित स्थायी विन्यास हो जाने की वजह से कौन सा करता है, प्लस वन। फिर भी ये एक हटा कर कौन सी करेगा, प्लस टू, दूसरे प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, कौन सा करेगा, प्लस सिक्स। ठीक है, एमएन की करें तो एमएन एस को हटाकर प्लस टू, डी के एक को हटाकर कितनी कर, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स और प्लस सेवन, सर्वाधिक स्थायी कौन सी, एमएन प्लस सेवन। यह क्वेश्चन अपना बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता, प्रथम संकरण चरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, एमएन, और कितनी करता है, प्लस सात। ठीक है, बात अपन जैसे जैसे इस आगे जाएंगे तो जैसे जैसे आगे तो इसमें डी में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या हो जाता है, युग्मन शुरू हो जाता है। एमएन में डी में एक, दो, तीन, चार और पांच, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, पांच, पांचों के से हटा दिया। एफ में जैसे आएगा तो एफ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। तो युग्मित हो जाने की वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे अपने, चार, कितने बचते हैं, चार। तो प्लस टू तो कब करेगा, एस के दो को हटाकर, प्लस थ्री कब करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को एक को हटाकर, प्लस फोर इसको हटाकर, प्लस फाइव इस अयुग्मित हटाकर, और प्लस सिक्स इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हटाकर कर देता है। यानी जैसे एमएन से आगे जैसे जैसे जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना शुरू हो जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती जाती है, इसे ऑक्सीजन अवस्था धीरे धीरे कम आती जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आप कोबाल्ट की देख तो एस को दो का हटा प्लस टू कर देगा। ठीक है, कोबाल्ट में ऐसा हो जाएगा। तो आई युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे अपने, तीन, तो प्लस टू तो एस के दो को हटाकर कर रहा है। ठीक, प्लस थ्री एक आई युग्मित इलेक्ट्रॉन हटाकर, प्लस फोर दूसरे आई युग्मित इलेक्ट्रॉन हटाकर, और प्लस फाइव तीसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हटाकर प्रदर्शित करता है। ठीक है, बात निकिल की करें तो निकिल प्लस टू, एस के दो को हटाकर, प्लस थ्री पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हटाकर, और प्लस फोर दूसरे अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन को हटाकर प्रदर्शित करता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर प्लस वन करता है, कौन सी करता है, कॉपर प्लस वन, क्योंकि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसका, वन। ठीक है, उस प्रकार डी में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक, इसको अटैक नहीं करेगा प्लस टू, और यही इसकी स्थायी ऑक्सीजन अवस्था होती है। ठीक, जिंक की बात करें तो जिंक करता है प्लस टू, कौन सी करता है, प्लस टू। तो अब तब हम देखते हैं कि प्रारंभ से जैसे जैसे जाते हैं ऑक्सीजन अवस्था में धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर धीरे धीरे अंत में कमी होती जाती है। उसका कारण है कि प्रारंभ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जिंक तक बढ़ते जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन अवस्था में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार जो अपने डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, प्रथम संकरण श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन प्रदर्शित नहीं करता, तो उसमें आंसर आएगा, एक तो आएगा स्कैंडियम और दूसरा आएगा जिंक। स्कैंडियम लिख दो ठीक है, जिंक लिख दो ठीक है, क्योंकि स्कैंडियम कौन सी करता है, प्लस तीन करता है, और जिंक भी कौन सी करता है, प्लस टू करता है, परिवर्तनशील ऑक्सीजन प्रदर्शित नहीं करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा संक्रमण तत्व, कौन सा संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसमें आंसर आएगा केवल स्कैंडियम, उसमें जिंक नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन परिभाषा में आपने बताया कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है, क्योंकि परमाणु आयनिक व्यवस्था में डीकर्षण कैसा होता है, पूर्ण भरा होता है। अतः क्वेश्चन को देखना, अगर आए कौन सा तत्व की बात करके हो तो स्कैंडियम और जिंक दोनों ठीक है,
अगर क्वेश्चन आता है कौन सा संक्रमण शब्द जुड़ जाए तो उसमें जिंक नहीं आएगा, उसमें आपका आंसर आएगा स्कैंडियम। ठीक है, इस प्रकार अपनी थी प्रथम संक्रमण तत्व की ऑक्सीजन अवस्था परिवर्तनशील ऑक्सीजन प्रदर्शित करते हैं और डिपेंड करते हैं कि डी कक्षा में आए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।